والصلاه والسلام على الانبياء والمرسلين। मौजूद सामीन मोहतरम, कलंदर लाहौरी, दरवेश लाहौरी, मुफक्किर इस्लाम, हकीम उल उम्मत, डॉक्टर अल्लामा इकबाल नबर अल्लाह मरकदहु व रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम आपके मज़ार अकदस पर आज हाजिर हैं। और कौन इकबाल? इकबाल वो इकबाल जो कहता है बा खुदा दर पर्दा गोयम बा तो गोयम आशकार, बा खुदा दर पर्दा गोयम बा तो गोयम आशकार, या रसूल अल्लाह पिन्हा तू पैदा है मन। इकबाल कहता है या रसूल अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूं, आपसे आमने सामने बात करता हूं। और इकबाल तू आमने सामने कैसे बात करता है? तू तो ना हज पर गया, ना उम्रे पर गया, ना हिजाज मुकद्दस गया, तू कैसे बात करता है? कहता है बा खुदा दर पर्दा गोयम बात तो गोयम आश्कार, या रसूल अल्लाह पिन्हा तू पैदा है मन। कहता है इकबाल कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो पर्दे में है, अल्लाह ताला को तो सिर्फ आपने देखा है, आप अल मुरसल वाला कदर मुरसल बन कर आए, आप अल्लाह की शान बन कर आए, भेजने वाले की शान बन कर आए, मैं आपकी मोहब्बत सीने में उजागर करके पूरी दुनिया को देखता हूं। और इकबाल तो फिर इकबाल है ना, इकबाल कहता है नगमा कुजा मन कुजा साजे सुखन बहाना ईस, कहता है उरूर नाते कहां, कहां काफिया कहां रदीफ कहां शेर कहां बैतबाजी कहां शायरी कहां फलसफा कहां मनते कहां तारीख कहां अदब, कहता है उरूर ये सारी चीजें कहां, नगमा कुजा मन कुजा साजे सुहन बहाना ईस सुए कतार मी कशम नाकाए बेजुमामरा, कहता है उरूर ये सारी चीजें कहां, सुए कतार मी कशम नाकाए बेजुमामरा, कहता है उरूर मैं आपकी मोहब्बत की आवाजें लगा लगा कर उस उम्मत को जो ऊँटनी की कतारों में जैसे एक ऊँटनी बिछड़ जाए, आपकी उम्मत को बुला बुला कर आपके दामन से वाबस्ता कर रहा हूं। सुए कतार मी कशम नाकाए बेजुमामरा, वो ऊँटनी जनाब जो शुद्रे बेमुहार की तरह फिर रही हो हुजूर, उसको वापस बुलाकर आपके दामन रहमत से वाबस्ता कर रहा हूं। और इकबाल कहता है सौदेश दानशे हाजिर मजोए, इकबाल कहता है सारा कुछ ठीक है लेकिन जो आजकल की फिक्र और सोच है ना ये जदीद किस्म की, सौदेश दानशे हाजिर मजोए कैफे हक की जामे काफिर मजोए, इकबाल कहता है सारा कुछ ठीक है, संगे असद संगे असद दर्द बुतखाना खा, इकबाल कहता है हो सकता है तू कहीं बुतखाने में जाए तो तुझे वहां कीमती जनाब पत्थर मिल जाए, और नाफा मुश्क असगे दीवाना खा, कहता है हो सकता है कि तुझे मुश्क और अंबर जैसी खुशबू किसी पागल कुत्ते के मुंह से मिल जाए, लेकिन सौदेश दानिश हाजिर मजोए, इकबाल कहता है इश्क का सौज हजरत बिलाल का सौज इस काफिर जो आजकल के दौर का इश्क है ना, जो आजकल के दौर की दानिश है, और एक दानिश हाजिर हिजाब अकबरस बुत परस्तो बुत करो बुत फरोशस, इकबाल कहता है जो आजकल की दानिश है ये पहले बुत घड़ते हैं, कैसे बुत घड़ते हैं जी, पहले ये कहते हैं कि जनाब हमने ये बनाया है आप इसको माने, जब मान लिया जाए तो फिर कहते हैं इसको अपनाए, जब अपना लिया जाए तो फिर कहते हैं इसको सज्जा करें, इकबाल कहता है इसको हमने नहीं माना, दानिश हाजिर हिजाब अकबरस बुत फरोशो बुत परस्तो बुत गरस, इकबाल कहता है हमने इसको नहीं मानना, इकबाल हमने किस इश्क को मानना है? इकबाल कहता है हमने उस इश्क को मानना है कि बिलाल मक्के की गली में पड़ा हो, सीने पे पत्थर पड़े हो, नीचे रेत भी गर्म हो और ऊपर से उमैया तुर्रे मारता हो, तो फिर पूछा जाए इकबाल बिलाल तेरा क्या ख्याल है, तो बिलाल कहे मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़, बस हुजूर से मोहब्बत। और इकबाल फिर बनेगा क्या, हुजूर से मोहब्बत करेंगे इनाम क्या मिलेगा? इकबाल कहता है इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवा में, इकबाल कहता पूरी दुनिया पर हुकूमत सिकंदर ज़ुल्करनैन ने की, उसका नाम लेवा भी कोई नहीं, दुनिया पे बिलाल बिलाल हो रही है, ये क्या वजह है? सिर्फ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह है। ये पीछे सिकंदर हयात की कब्र है, पता है आपको
ये जो पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है ये सिकंदर हयात की कब्र है। मेरा नहीं ख्याल कि आज के पूरे दिन में कोई शख्स आया हो उसने उसकी कब्र पर भी फातिहा पढ़ा हो। और आज मनों के मन तनों के टन ये फूल इकबाल के लिए लेकर आए हैं। किस वजह से लेकर आए हैं? कोई इकबाल की जाति हैसियत है? नहीं नहीं नहीं, इकबाल एक ही वजह से लेकर आए हैं कि मोहम्मद से वफात होने, एक ही वजह से। कायनात में जिसको भी इज्जत मिलेगी वो एक ही वजह से मिलेगी, और अल्लाह ने सारी इज्जतें अपने हबीब को देकर भेजी है। वरना इकबाल, इकबाल तो इकबाल है, उसने तो अल्लाह पर भी शिकवा कर दिया है जी। इकबाल तो इकबाल है, लेकिन उसने किस अंदाज में किया? उसने लोगों के अंदाज में किया, शिकवा कर दिया, लेकिन सारा कुछ करके करने के बाद कहने लगा, क्या कहने लगा इकबाल के अंदर, ताज़े बंदे गुलिस्तान रस्ता आशिया पर शाखे तूबा बस्ता। इकबाल कहता हुजूर मैंने जदीद भी पढ़ा, पढ़ लिया है मैंने उलूम शर्क व गर्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब। कहता है मैंने जदीद भी पढ़ा, कदीम भी पढ़ा, फलसफा भी पढ़ा, मंतिक भी पढ़ा, और बागबाना इम्तिहानम नौबूदाम। और इकबाल कहता है मैं उधर गया, उन्होंने मेरे इम्तिहान लिए, महरम राजदान गुलिस्तानम। इकबाल कहता है मुझे उन्होंने अपने गुलिस्तान का महरम राज बनाने की कोशिश की, मुझे उन्होंने पढ़ा जनाब, मेरा दिमाग खराब किया, मैंने उलूम शर्क व गर्ब सारे पढ़े। इकबाल फिर तूने क्या किया? कहता है जनाब मेरा सरद दर्द में बिजाने मन के सरद दर्द सब खरीदम। इकबाल कहता है मैंने जितना भी उनका पढ़ा मेरे सर दर्द में इजाफा हुआ। इकबाल फिर तेरी रूह को ताजगी कहां से मिली? तू ये सारा कुछ छोड़कर हुजूर के दर पे कैसे आया? कहना ताज़े बंदे ही गुलिस्तान अस्ताम आशिया पर शाखे तूबा बस्ताम। इकबाल कहता है मैंने सारा कुछ लपेट कर उनका जदीद और कदीम, उनका जनाब मंतिक और फलसफा, उनकी हिकमत और साइंस, उनका जनाब टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी, इकबाल कहता है सारा कुछ लपेट कर मैंने उनके मुंह पर मारा, और वापस आकर क्या किया? ताज़े बंदे ही गुलिस्तान अस्ताम आशिया पर शाखे तूबा बस्ताम। इकबाल कहता है मैं इंग्लैंड से वापस आया, मैं आकर हुजूर के दर पर नहीं गया, जो मदीने पाक रास्ता जाता था उस रास्ते पर जो दरख्त था वहां से एक छोटा सा घोंसला बनाकर बैठ गया और उम्मत को आवाजें देता रहा, दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफास, आप रूए माजे नामे मुस्तफास। बस इकबाल तो फिर इकबाल है, इकबाल तो फिर चीज को कहा है वो हुजूर की जात है। मैं पहले समझा, पूरी उम्मत का मरकज, पूरी उम्मत का मरकज इकबाल ने जिसको कहा है वो हुजूर की जात है। इकबाल कहता है कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई। इसका क्या मतलब है? इकबाल कहता है वो कौम मर जाएगी जब उसके दिल से हुजूर की मोहब्बत निकल जाएगी। हाँ, मरी पड़ी थी ना, फिर मरकज से जोड़ा है जिसने। एक ही बात और क्या कहा है कि मुझे मानो, नहीं नहीं, इकबाल कहता है कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, ओ साहेब मरकज खुदी क्या है खुदाई। इकबाल कहता है अगर साहेब मरकज हो फिर वो खुदी का मालिक नहीं, वो खुदाई का मालिक होता है। इकबाल कैसे कहता है बंदा व्हील चेयर पर बैठा हो, कौम मरी पड़ी हो, उसके दिल में मोहब्बत रसूल की शम्मा उजागर करे, फिर वो माल रोड पर पगड़ी को बल दे रहा हो, पूरे कुफर को चक्कर आ रहे होते हैं। जो फकर हुआ तलखी दौरा का गिला मन, यानी कि तहमत बांधी हुई हो और मुसब बिन उमैर गज़वा उहद में जा रहे हो, ये मुराद है। ये नहीं कहा हुजूर मैं 400 दिरहम का सूट डालता था, मैं वो खुशबू लगाता था जो मक्के की गलियों से गुजरता तो घंटों खुशबू आती, आज इस्लाम ने पहले भी कपड़े उतार दिए। बाल कहता है नहीं नहीं, ऐसे करके तहमत बांधा हुआ, इस तरह का तहमत बांधा हुआ और गज़वा उहद की तरफ जा रहे हैं, हुजूर ने झंडा भी पकड़ा दिया। फिर क्या? जो फकर हुआ तलखी दौरा का गिला मन,
उस फकर में बाकी है अभी बूए गदाई। इकबाल कहता है फिर वो जनाब ये पुख्ता नहीं हुआ। मैं आपको इससे बात सुना दूं, मुझे पिछले दिनों एक साथी ने बात सुनाई, उसने कहा कि मैं आपके मार्च पर ये आजादी चौक से आगे जब हुजूर के गुलामों का मार्च चला तो मैं आया, उसने कहा एक बिल्कुल सादा सा लड़का जिसकी 17 साल उम्र थी, ये उसका जनाब तर्जमा है जो इकबाल ने कहा जो फकर हुआ तलखी ये दौरा का गिलामन। वो कहने लगा 17 साल का लड़का और उसने एक उंगली में ऐसे करके शापर का चावल पकड़ा, चावलों का शापर पकड़ा हुआ और जनाब मार्च के साथ चल रहा ऐसे करके। कहता है मैं अपने छोटे से बच्चे के साथ देखकर खड़ा हो रहा था कि हम इनके साथ तो नहीं चलते चल सकते, ये कितने अजीम लोग हैं। कहता है लेकिन मेरे दिल में उन लोग आप लोगों की अजमत नहीं थी, आप हुजूर के इन गुलामों की अजमत नहीं थी। मैंने कहा बस ठीक है हम भी देखते हैं कहां जा रहे हैं। कहते मैं खड़ा हुआ तो 17 साल का लड़का आया और वो कहने लगा ये चावलों का शापर मुझसे ले लो। मैंने कहा भाई आपका सफर बड़ा लंबा है, आप अपने पास रखो, अगर मुझे जनाब मैं तो इधर ही हूं लाहौर में रहता हूं, मैं घर जाकर खा लूंगा। उसने कहा ये रख लो, जब मुझे जरूरत होगी मेरा रब मुझे दे देगा। ये है इकबाल ने कहा जो फकर हुआ तलखी ये दौरा का गिलामन, उस फकर में बाकी है अभी भूए गदाई। इकबाल कहता है वो फकर पुख्ता नहीं हुआ, वो तो अभी गदागर फकर है। फकर तो ये है कि जनाब गोलियां भी छल रही, शेल भी चल रहे, ना जाने रास्ता कितना तवील है, ना जाने कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, जो हाथ में था वो भी लुटा कर। कहता है कि ओए हम हुजूर के गुलाम है, जब हमें जहां जिस चीज की जरूरत होगी अल्लाह हमें महरूम नहीं रहने देगा। ये एक बंदे के इश्क रसूल ने, एक बंदे के इश्क रसूल ने, एक बंदे इकबाल कहते ना इखलास अमल मांग नया गान कोहन से शाहां चे अजब गर ब नवाजन गदा यारा। इकबाल कहता है इखलास मांग, इखलास वो वाला ना मांगी कि जो यहां चाय की प्याली पर जनाब बिक जाए, जो वजीर की मुलाकात पर बिक जाए, जो मशीर के साथ सलाम पर बिक जाए, जो टीए पर बिक जाए और जो जनाब अफसर के रोक टाक से मिल जाए। इकबाल कौन सा एक मांगना, इखलास अमल मांग नया गान कोहन से शाहां चे अजब गर ब नवाजन गदा यारा। इकबाल कहता है वो वाला इखलास मांगी जो अबू बकर उमर वाला था, वो वाला इखलास मांगी जो उस्मान अली वाला था, वो जो अशरा मुबशरा। इकबाल को इखलास कैसे मिलेगा? इकबाल कहता है वो इखलास इल्मुद्दीन के दर से मिलेगा। इकबाल कैसे कि मोहम्मद अली जना अगर कहे कि इल्मुद्दीन एक मरतबा कह दे कि मैं होश में नहीं था, तो इल्मुद्दीन पुकार कर कहे ओ कायद आजम साहब ये क्या बात करते हो, इल्मुद्दीन इसी लम्हे में तो जिंदगी में होश में आया है। मदारिस नहीं है, बड़े बड़े जनाब वो बिल्डिंगें नहीं है, तो ये कैसे हुजूर का निजाम लाएंगे? तू बता के इनकी जरूरत है। इकबाल कहता नहीं, कलंदर जुज दो हरफ ला इलाह कुछ भी नहीं रखता। इकबाल कहता है मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर, दयार इश्क में नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, उठाना शीशा कराने अफरंग की मोहताजी। ए जड़े हम सुबह तो शाम तक आते रहने, एक बार उन्होंने कहना उठाना शीशा कराने अफरंग की मोहताजी, सफाल हिंद से मीना और जाम पैदा कर। तो फिर गल हो लेना कि एक बार को सिर्फ फुल पेश करना ने होरन, इकबाल की फिक्र से अमल करना हो रे। इकबाल किसी और चीज का ना है, इकबाल तू की कहना कि जनाब इस तरह है कि जनाब पड़े करो फार और जनाब ये इकबाल कहना नहीं, अगर जहां में मेरा जोहर आशकारा हुआ कलंदरी से हुआ सिकंदरी से नहीं। हाँ सिकंदरी तो मुराद है कि आज जनाब साढ़े बड़े तो लेके छोटे तक इन्हें प्रोटोकॉल नहीं खत्म होते, जनाब हजरत फारूक आजम एन करके जनाब मदीने
ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੂਮ ਦਾ ਸਫੀਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਾਗ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਕੋਨੀ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਵੇ ਉਹ 36 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਇਤਨੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਤਨਾ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਹਾਕਿਮ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ 36 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਰੀ ਦਰਦੀ ਨੇ ਮਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਅਸ ਅਦਲੇ ਫਾਰੂਕੀ ਉਹ ਫਕਰੇ ਹੈਦਰੀ ਅਸ ਬਾਗਲਾ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਮਨਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਸਰਵਰੀ ਦਰਦੀ ਨੇ ਮਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਅਸ ਅਦਲੇ ਫਾਰੂਕੀ ਉਹ ਫਕਰੇ ਹੈਦਰੀ ਅਸ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਅਦਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਵਾਲਾ ਫਕਰ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਕਬਾਲ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਕਬਾਲ ਨਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਨਾ ਖਿਰਕਾ ਪੋਸ਼ ਇਕਬਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਨਾਬ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਨਾਬ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਨਾ ਖਿਰਕਾ ਪੋਸ਼ ਇਕਬਾਲ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜੁੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 300 ਜੁੱਬੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਜਦਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁੱਬਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਦੀਨ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਨਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਨਾ ਖਿਰਕਾ ਪੋਸ਼ ਇਕਬਾਲ, ਫਕੀਰ ਰਹਿਨਸ਼ੀ ਅਸਤੋ ਦਿਲ ਗਨੀ ਦਾਰਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਇਕਬਾਲ। ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਇਕਬਾਲ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਦੀਏ ਸਭ ਬਲ ਨਿਕਾਲ, ਮੁੱਦਤ ਸੇ ਆਰਜ਼ੂ ਥੀ ਕਿ ਸੀਧਾ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਇਕਬਾਲ ਦੱਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਏ ਰਸੂਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਫਕਰ ਕੇ ਹੈ ਮੌਜਜ਼ਾਤ, ਤਾਜੋ ਸਰੀਰੋ ਸਿਫਾ, ਫਕਰ ਹੈ ਮੀਰੋ ਕਾ ਮੀਰ, ਫਕਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹੋ ਕਾ ਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਮ ਫਕੀਹੋ ਹਕੀਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਲੀਆਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਰੂਬੂ ਜ਼ਬੂਰ ਆਜ਼ਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿਆਮ ਮਸ਼ਰਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਉਦੀ ਬੇਖੁਦੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਾਲ ਜਬਰੀਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਾਬ ਪਸ਼ਚਿਕ ਬਾਇਤ ਕਰ, ਇਹ ਅਕਵਾਮ ਮਸ਼ਰਕ, ਇਹ ਅਕਵਾਮ ਮਗਰਬ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਕਬਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕਬਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਬਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕਬਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਤਕਮੀਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਸ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਇਕਬਾਲ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਇਕਬਾਲ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਰਮੋਦੀ ਰਾਹੇ ਬਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤੇਮ ਵਰਨਾ ਜੁਸ ਤੁਮਾਰਾ ਮੰਜ਼ਲੇ ਨੀਸ। ਯਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ।